नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कौवे से मिलने वाले शुभ और अशुभ संकेत के बारे में। प्रिय दर्शकों, कौवा के शुभ और अशुभ संकेत इतने महत्वपूर्ण होते हैं, इतने चमत्कारी होते हैं, यदि इनको कोई इंसान पहचान ले तो अपना जीवन बदल सकता है। कौवा जो भी संकेत देता है वो सटीक होता है, प्रमाणिक होता है। कौवे के संकेत को कोई नहीं टाल सकता, सिर्फ इनको पहचान ना आना चाहिए। प्राचीन समय के जो लोग थे, कौवे के संकेत को जानकर भविष्यवाणी किया करते थे और वो सटीक होती थी। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो कौवे के संकेत से भविष्यवाणी करते हैं और वो बिल्कुल सटीक होती है। प्रिय दर्शकों, कौवे के संकेत को पहचान कर जो भविष्यवाणी की जाती है वो बिल्कुल 100% सत्य होती है, उसमें कोई शंका नहीं होती, वो खरी खरी उतरती है। प्रिय दर्शकों, यदि जो कौवे के संकेत को पहचान ले तो कौवे के संकेत से आप करोड़पति भी बन सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं। कौवा यह भी संकेत देता है कि आप पैसे वाले कब बनेंगे, आपका भाग्य उदय कब होगा। प्रिय दर्शकों, कौवे के अचूक संकेत होते हैं। प्राचीन समय के लोग जितने भी काम किया करते थे, भविष्यवाणी, कुंडली वगैरह जो भी है, कौवे के संकेत से ही किया करते थे। कौवे के संकेत से आप ये भी बता सकते हैं कि बारिश कब होगी। प्रिय दर्शकों, कौवे के संकेत से आप ये भी बता सकते हैं कि इंसान की मृत्यु कब होने वाली है। कौवे के जो संकेत होते हैं बड़े चमत्कारी होते हैं। आज के युग में ऐसी चीजों को लोग भूलते जा रहे हैं, इसीलिए हमने ये चैनल बनाया है प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल का जो मकसद है वो यही है, भारत का प्राचीन लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, प्राचीन जमाने में एक परंपरा चलित आ रही है कि यदि किसी के सिर पर कौवा बैठ जाए तो वह अपने परिजनों, अपने रिश्तेदारों को झूठा पत्र लिख करके भेजते थे। पत्र में लिखते थे कि उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार की खबर सुनकर परिजन शोक करते थे। उसी दिन दूसरा पत्र लिख करके भेजा जाता था कि कौवा सिर पर बैठने से यह झूठी खबर पहुंचाई गई है। प्रिय दर्शकों, बिल्कुल सही बात है, यदि किसी के सिर पर कौवा बैठ जाए तो इसका उपाय जरूर करना चाहिए, अन्यथा उस आदमी के जीवन पे भारी संकट आ सकता है। मान्यता है कि सुबह यदि घर की मुंडेर पे, बालकनी पे, छत पे आकर यदि कौवा बैठ जाता है और कांव कांव करता है तो मेहमान आने की आशंका होती है, यह शुभ संकेत है। प्राचीन समय के लोग कौवे के अंडे से भी भविष्यवाणी किया करते हैं। यदि मादा कौवा एक अंडा देती है, इसे करुणा कहा जाता है, इससे अच्छी वर्षा होती है, अच्छी पैदावार होती है, इसलिए संकेत समझना चाहिए। यदि कौवा दो अंडा देता है तो इसे अग्नि कहा जाता है, ऐसी स्थिति में कम वर्षा होती है, खेतों में डाला अनाज अंकुरित नहीं होता, इससे प्रजा बहुत दुखी होती है। यदि कौवा तीन अंडा दे तो इसे वायु कहा जाता है, यह भी शुभ संकेत नहीं माना जाता, फसल को पशु पक्षी नष्ट कर देते हैं। अगर हवेली अथवा अटारी पर या हरे भरे वृक्ष पर कौवा आके बैठ जाए तो इसे अचानक अकस्मात धन लाभ होने की संभावना होती है। यदि कौवा अपनी चोंच में फल, रोटी या मांस का टुकड़ा दबाए दिखाई दे तो ये अभीष्ट कार्य की सफलता होती है। यदि गाय की पीठ पर बैठकर कौवा अपनी चोंच रगड़ता हुआ दिखाई दे तो इसे उत्तम माना जाता है। यदि कौवा सूखा तिनका अपनी चोंच में लिए दिखाई दे तो इसे धन लाभ होने की संभावना होती है। यदि कौवा की चोंच में फूल पत्ती आदि चीज हो तो मनोरथ की सिद्धि होती है। यदि कौवा अनाज के ढेर पर बैठा मिले तो इसे धन धान्य की प्राप्ति मानी जाती है। यदि कौवा सुअर की पीठ पर बैठा दिखाई दे तो इसे अचानक अकस्मात धन प्राप्त होता है। यदि कौवा धूल मिट्टी में लोटपोट होता दिखाई दे तो समझना चाहिए कि इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, अकाल पड़ेगा।
सबसे खतरनाक और आखिरी। यदि नर कौवा मादा कौवा के साथ शारीरिक संबंध बनाता हुआ दिखाई दे तो इससे आपके जीवन पर बहुत ही बड़ा संकट टूट पड़ता है। आपके और आपके परिवार में से किसी की मृत्यु होने का संकेत होता है। आपके और आपके परिवार में से किसी की न किसी की मृत्यु निश्चित है। ऐसी स्थिति में आप तुरंत श्री ठाकुर जी के मंदिर जाएं, तुलसी के पत्र अर्पित करें, अपने मुख में तुलसी का पत्र रखें। पहले भगवान को अर्पित करें, फिर अपने मुख में रखें। 1.25 घंटे तक श्री ठाकुर जी के चरणों में हाथ जोड़ करके गिर जाएं, 1.25 घंटे तक चरणों में पड़े रहें। इससे आपके ऊपर जो संकट आया है वो टाला जा सकता है। यही एक आखिरी उपाय है, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं होता। प्रिय दर्शकों, कौवे के जो संकेत होते हैं वो अचूक होते हैं, कोई नहीं टाल सकता। अचूक संकेत कौवा देता है। यदि कोई बंदा इनको समझ जाए तो अपना भाग्य बदल सकता है, अपना जीवन बदल सकता है, वो सब कुछ पा सकता है जिसकी लालसा उसे जीवन में रहती है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जी नमस्कार, धन्यवाद।